पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से कर दिया इनकार। पावर स्टार ने ठुकरा दी भाजपा की तरफ से दी गई आसनसोल की टिकट। भाजपा ने कल ही बनाया उम्मीदवार और 24 घंटे से पहले ही बदल गया फैसला। पवन सिंह के एक पोस्ट से मच गया बवाल, क्या है वजह? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीते दिनों भाजपा ने पूरे भरोसे और विश्वास के साथ पवन सिंह को आसनसोल सीट से टिकट दिया था, वहीं अब पावर स्टार ने वहां से चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। पवन सिंह ने खुद इतना बड़ा ऐलान एक ट्वीट के जरिए किया, जहां उन्होंने पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। दरअसल बीते दिन भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव लड़ने का मौका मिला था। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं अगर एक नजर हम पवन सिंह के ट्वीट पर डाल लें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ठीक इसी का फायदा उठाते हुए टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने इसे रीपोस्ट करते हुए और चुटकी ली है और लिखा है कि पश्चिम बंगाल के लोगों की भावना और ताकत। इस वक्त हर कोई यही जानना चाहता है और सोचकर हैरान है कि आखिर वो क्या वजह रही होगी जिससे कि चुनाव के लिए पवन सिंह कमर कस चुके थे, उससे अब वो पीछे हट रहे। जानकारी के लिए बताते चले, भाजपा ने आसनसोल सीट के लिए शनिवार को पवन सिंह के नाम का ऐलान किया था और इसके बाद पवन सिंह ने बीजेपी के आला कमान को धन्यवाद करते हुए बहुत आभार व्यक्त भी किया था और लिखा था कि आसनसोल से मुझे लोकसभा उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के माननीय महानुभावों का वंदन चंदन और अभिनंदन करते हैं। दूसरी तरफ जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह का सामना आसनसोल में अभिनेता से नेता बने टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से था और टीएमसी के तरफ से आसनसोल में पवन सिंह के विरुद्ध शत्रुघ्न सिन्हा खड़े थे। सोचने वाली बात यह है कि पवन सिंह जहां इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं, वहीं फिल्मों से लेकर संगीत की दुनिया तक उनके करोड़ों फैंस हैं, उसके बावजूद भी अब जब चुनाव का वक्त आया तो ऐसे में पवन सिंह ने अपने कदम पीछे क्यों कर लिए हैं। हालांकि इस पर स्पष्ट तौर पर पवन सिंह ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है और मामले को साफ करते हुए कोई ऐसी वजह नहीं बताई जहां इसके पीछे का कारण पता चले। हालांकि पवन सिंह के इस फैसले के बाद उनके फैंस में बेहद निराशा देखी जा रही है।